हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। आज की ये हमारी सेकंड वीडियो है एंड ये न्यू एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन फॉर्म है और ये अदर स्टेट से है। यहाँ पर सभी लोग एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल होंगे। लास्ट डेट यहाँ पर 31 अगस्त 2022 है, क्योंकि डेट को एक्सटेंड किया गया था। पहले यह डेट 31 जुलाई तक थी, जो कि बढ़ा के 31 अगस्त तक कर दी गई है। यहाँ पर ₹500 एप्लीकेशन फ़ी है एंड सभी जानकारी को देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, यहाँ पर ऐसी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहती हैं। दोस्तों, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए पीएचडी एंट्रेंस के प्रिपरेशन के लिए, तो सब्जेक्ट प्लस रिसर्च मेथोडोलॉजी के लगभग 5 से 6 सेट में पीडीएफ आपको मस्ट पीडीएफ मिलेंगे। वो पीडीएफ आप ले सकते हैं, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के हैं और वो आपके ज़रूर काम आएंगे। तो उसको लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके थ्रू विजिट करके चेक कर सकते हैं और वहाँ से डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, फिर आप पीडीएफ को ले सकते हैं। तो ये थी डिटेल्स, अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और आपको दिखाते हैं कि कहाँ से फॉर्म है। तो दोस्तों, ये है ऑफिशियल वेबसाइट यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। आप इस पर जैसे ही आएंगे, यहाँ पर आपको स्क्रॉल होता हुआ ऊपर दिख जाएगा कि पीएचडी ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो एडमिशन की डेट है, लास्ट डेट वो एक्सटेंड हो गई है 31/8/2022 तक। एंड पीएचडी एडमिशन ये जुलाई 2022 सेशन का है। ये यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु में और ये कि ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास का विकिपीडिया भी आप देख सकते हैं। ये यूजीसी और नैक एआईसीटीई से तो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है। यहाँ से आप पीएचडी करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। सर्कुलर है, उसको देख सकते हैं। रिसर्च रेगुलेशंस हैं, उसको भी आप देख लीजिए। रेगुलेशन में ही बताया गया है कि पीएचडी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो कि 55% है और 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा जैसे हर जगह होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट एंड फी डिटेल्स हैं, मतलब कि कैसे फॉर्मेट होगा, आपको कैसे फिल करना है एप्लीकेशन, एंड फी डिटेल्स भी बताई गई हैं, उसको देख लीजिएगा। एंड फिर इंस्टीट्यूशन का जो एफिलेटेड फॉर रिसर्च प्रोग्राम है, जो इंस्टीट्यूशन है उनको भी यहाँ पर दिया गया है। ऑनलाइन पेमेंट के लिए फिर गाइडलाइन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर जो JRF के कैंडिडेट हैं, चाहे UGC हो, CSIR हो, DBT हो, इंस्पायर हो या फिर कोई अदर हो, ये सभी लोग डायरेक्टली यहाँ पर इंटरव्यू देते हैं, मतलब कि इनको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी है रेगुलेशन में दिया गया है सब कुछ, उसको आप देख सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो भी यहाँ पर जो सर्कुलर है उसमें दी गई है। सर्कुलर में ₹500 फ़ी है और जो GST 18% जोड़ के ₹590 फ़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये सर्कुलर आप जब डाउनलोड करेंगे तो इसमें मिलेगा, ठीक है ना। अब अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है सीधा। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि फ़ोटो कैसे होगी, उसका KB वगैरह। और फिर आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर फुल टाइम गेस्ट लेक्चरर, दुनिया का सब जो भी डिटेल्स हैं सब दी गई हैं, कुछ यहाँ पर छूटा नहीं है। और यहाँ पर कहा गया, कैंडिडेट आर इन्फॉर्म टू सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, एफिलेटेड कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस वेयर द कैंडिडेट इज प्रपोज टू दियर रिसर्च वर्क ऑन और बिफोर 30/6/2022। अब ये जो 30/6 लिखा है ना, ये 30/6 नहीं रहेगा, इसको डेट बढ़ा दी गई है क्योंकि 31/8/2022 है, तो इसको ये चेंज हो गया है, इसको आप देख लेंगे। तो प्रोसीड कीजिएगा एक्सेप्ट करके टर्म्स को। और जब आप प्रोसीड करेंगे तो फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे पीएचडी। तो यहाँ पर क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन जुलाई 2022 सेशन, ये देख सकते हैं आप, ब्लिंक हो रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आ गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम सेशन 2 जुलाई 2022। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और उसके बाद सारी डिटेल्स भर के यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस एंड यहाँ पर सुपरवाइज़र का डिटेल्स आपको ज़रूर देखना है। और ये कहाँ से आप पाएंगे, तो इसको जैसे मेन साइट पे हमने बताया था ना, इंस्टीट्यूशंस, वहीं से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो किस में आप, कौन सी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, एफिलेटेड कॉलेज में जा रहे हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, ये आपको कैसे पता चलेगा, इसके लिए आप थोड़ा सा बैक जाइए। जब आप बैक आएंगे तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन एफिलेटेड ये जो है इसको आपको देख लेना है। देखिए यहाँ पर पीएचडी रिसर्च प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। अब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में कौन कौन से नेम ऑफ डिपार्टमेंट दिया गया है, फील्ड ऑफ पीएचडी रिसर्च फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दिया गया है। तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का इतना दिया गया है, ये आप टोटल देख सकते हैं, ठीक है।
कितने हैं यहाँ पर 69, फिर 74 तक हैं, ठीक है। फिर पीएचडी रिसर्च प्रोग्राम द एफिलेटेड कॉलेज, सीटें नहीं बताई गई हैं लेकिन यहाँ पर नेम सब्जेक्ट्स का बता दिया गया है कि कौन कौन सा अवेलेबल है, ठीक है। जो इधर नहीं अवेलेबल है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में, जैसे आप चेक कर लीजिएगा आपका जो सब्जेक्ट है, आप इधर राइट साइड चेक करते जाइए, यहाँ पर सारे दिए गए हैं सब्जेक्ट। अगर आप यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ अगर आप रिसर्च जो एफिलेटेड कॉलेज हैं उसमें भी ये सब्जेक्ट अवेलेबल हैं यहाँ पर करना चाहते हैं तो इसको चूज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आइएगा, आपको यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन है रिसर्च प्रोग्राम ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब ये रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है इसको भी देख लीजिए, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। और वही आपको चूज करना है कब, जब आप एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपको सिलेक्ट करना है, नाम वाम सब भरने के बाद यहाँ पर आप मान लीजिए यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। अब मूड क्या है, आप फुल टाइम में हैं और यहाँ पर स्टाइपेंड आपके पास नहीं है, मतलब तो इस यहाँ पर स्टाइपेंड ही, मतलब आपके पास अगर कोई स्टाइपेंड है तो जैसे आप जेआरएफ वाले हैं तो आप यहाँ पर यूजीसी या यूजीसी नेट सीएसआईआर नेट जो है उसको आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है। दो ही एग्ज़ाम था जो जेआरएफ के, हम मान लीजिए यूजीसी के जेआरएफ हैं तो आप यूजीसी नेट चूज कीजिए। अब ये नाम होता है एग्ज़ाम का, ठीक है। अब फेलोशिप कम्युनिकेशन नो एंड डेट, तो ये आपको डेट देना है। फिर इंटरडिसिप्लिनरी, इसको आपको चूज करना है। पीजी ईयर ऑफ पासिंग और पीजी का परसेंटेज मार्क, ये सब चूज करके आपको ओटीपी ले लेना है, ठीक है। आप ओटीपी जो है आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों पे जाएगा। तो इस तरह से आपका एप्लीकेशन होगा, फिर उसके बाद आपको पेमेंट वगैरह करनी है। आप पहले तो आपको डिटेल्स सब अपलोड करना होगा, साइन वगैरह और फोटो वगैरह, फिर उसके बाद आपका पेमेंट होगा। तो इस तरह से एप्लीकेशन आपको करना है और बाकी जो डिटेल्स हैं उसको आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विजिट जब करेंगे तो पता हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो है पूरा चीज़, ये रिसर्च हमने बता ही दिया कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। वो आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। और रेगुलेशन आपको पढ़ना है तो यहाँ से रेगुलेशन पढ़िएगा। सर्कुलर में क्या क्या है हमने बता ही दिया। गाइडलाइन देखना चाहते हैं तो वो सब कुछ होने के बाद ऑनलाइन पेमेंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितना हमने बताया वो यहाँ पर अवेलेबल है, आप अगर नहीं समझ पाए हैं तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सारी चीज़ें हैं, उसको आप रीड कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।